कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 का छठा भाग आज हम कर रहे हैं, जो कि है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ तीन टर्म्स हैं, तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाली सरल समीकरण का प्रयोग हम करेंगे। उम्मीद करता हूं इतने सवाल इतने भाग करने के बाद अब तक ये सरल समीकरण आपको अच्छे से याद हो गई होगी। तो बच्चों सबसे पहले जो हमें करना है वो क्या है, a हम देख लेते हैं, यहां से a कितना आएगा 1/4a के बराबर है। b किसके बराबर होगा, माइनस 1/2b के बराबर। ठीक है बच्चों, कई बच्चे ये बटा देखकर ही डर जाते हैं क्वेश्चन से, ऐसा नहीं करना है। c किसके बराबर है, प्लस 1 यानी 1 के बराबर है। ठीक है, ये वैल्यूज हमने यहां पे पुट करनी है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है ए स्क्वायर, ए किसके बराबर है 1/4a, तो 1/4a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी किसके बराबर है माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस सी किसका स्क्वायर, सी किसके बराबर है 1 के, तो 1 के स्क्वायर के बराबर प्लस 2 इंटू ए, ए है 1/4a इंटू बी, बी है माइनस 1/2b। ठीक है बच्चों, प्लस 2 इंटू बी, बी है माइनस 1/2b, इसके साथ माइनस भी है, इंटू सी, सी है 1 प्लस 2ca, ये वाला तीसरा बच गया था, 2 इंटू सी, सी कितना है 1, इंटू ए कितना है 1/4a। अब ये हमें हल करना है, इसको बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बड़े आराम से क्वेश्चन हल होगा, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर है a स्क्वायर, हो गया। आगे माइनस का स्क्वायर प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर b स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये तीन रकमें सॉल्व हो गई। आगे आ जाओ, अब ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से हल हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये है 2, ये है 4, ये 2 के बारे में 2 कट जाएगा 4 से, 2 to the 4। ठीक है, थोड़ा इसको मैं जूम कर रहा हूं, आइए देखते हैं, ये 2 से 2 कट के ये आ गया 1/2। अब ध्यान से देखना, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाली रकम में प्लस गुना कर दो, ऊपर 1 × 1 = 1 × 1 = 1, ए गुना बी ए बी, नीचे यह है 2, यह है 2, 2 × 2 = 4, तो माइनस 1/4ab बन गया। आगे आ जाओ, फिर से देखो, ये 2 से ये 2 कट जाएगा ना, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ऊपर वाली रकम में आपस में गुना कर दो, 1 × 1 = 1, नीचे कुछ नहीं बचा, 2 था वो कट चुका है और कुछ है नहीं नीचे, तो बाकी रह गया b, माइनस 1b। ठीक है, आगे प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है, अब यहां पर ऊपर 2 है नीचे 4 है, 2 के पहाड़े में 4 कटेगा 2 to the 4, तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया 1 × 1 = 1, और नीचे नीचे बच गया है 2a × 1a। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1 माइनस 1/4ab माइनस 1b प्लस 1/2a, ये हमारे पास इसका प्रसार आ गया। इससे आ गई, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म है नहीं, समान पद है नहीं, तो यही इसका प्रसार है, यही इसका उत्तर है। आशा करता हूं, हालांकि ये बटे वाला था, कई बच्चे इससे शुरू में ही डर जाते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं इस वीडियो के जरिए आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और इसको आप आसानी से अब
हल कर लेंगे, सीख लेंगे। यदि ये वीडियो आपको समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।